हेलो एवरी वन दिस इज डॉक्टर रजनी गोयल वेलकम बैक टू माई क्लास टूडे अगेन वी विल स्टार्ट आर टॉपिक दैट इज सेल ठीक है आज हम अपनी वीडियो में सेल का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल लेकिन उससे पहले आप हमारी सेल का जो फर्स्ट पार्ट है उसको पक्का देखिए क्योंकि अगर आप सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन ही समझ में आ, समझोगे तो उससे क्या होगा आपका सेल आपको यहाँ पे सेल की आगे जो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो नहीं समझ में आएगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उससे पहले सेल की बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमारा पार्ट वन है उसकी वीडियो जरूर देखिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट दैट इज रिलेटेड टू सेल ठीक है इस क्लास में अब हम सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे क्लियर तो अब देखिए सेल के स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करते हैं तो मेनली सेल के थ्री पार्ट्स होते हैं फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं सेकेंड पार्ट जो है ठीक है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म क्लियर सेल का जो थर्ड पार्ट है ठीक है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस सपोज अगर हम एक हम एक सेल ले रहे हैं सपोज दिस इज द सेल ठीक है तो सेल ये सपोज एनिमल सेल ले रहे हैं हम एनिमल सेल की जो आउटर लेयर है ठीक है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है यहां पे सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है ठीक है रिमेंबर वन थिंग यहां पे मैंने सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन को इंडिकेट करी हूं सेकेंडली अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है सेल का न्यूक्लियस होता है क्लियर ये है सेल का न्यूक्लियस क्लियर थर्ड थिंग इज़ ये जो मैं डॉट डॉट लगा रही हूं जेली लाइक मटेरियल है जो ठीक है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म ये सेल का साइटोप्लाज्म है अब हम इसी को ही पूरा मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि यहां पे मैंने आपको बताया कि ये एनिमल सेल है इसी के साथ साथ अगर हम प्लांट सेल की बात करें ठीक है सपोज हमने एक प्लांट सेल लिया ये सपोज एक प्लांट सेल है ठीक है जैसे वहां पे हमने डिस्कस किया था तो वैसे ही जो आउटर लेयर है ठीक है प्लांट सेल्स की आउटर लेयर है उसको हम क्या कहेंगे पीएम अगेन रिमेंबर वन थिंग ये पी एम प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये पी एम प्लाज्मा है ठीक है जिसको हम सी एम भी कहते हैं मतलब सेल मेम्ब्रेन क्लियर उसके अंदर क्या है न्यूक्लियस ठीक है और जो ये जेली लाइक मटेरियल डॉट डॉट सा मैं बना रही हूं दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म ठीक है ये जो थ्री पार्ट्स हैं वो प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में क्या है सेम है बट प्लांट सेल में क्या है एक एडिशनल लेयर होती है ठीक है सेल मेम्ब्रेन के बाहर और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल लेयर होती है ठीक हो ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं सेल वॉल सी डब्ल्यू ठीक है सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है एडिशनल लेयर ठीक है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं क्लियर अब हम इसी को ही पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम सेल का जो स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे ठीक है तो सेल मेम्ब्रेन जिसको हम डिनोट कर रहे हैं सी एम और पीएम से मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो ये क्या होती है अब हमने आपको बताई दिया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है ये कौन सी लेयर है आउटर लेयर ठीक है और ये थिन लेयर होती है क्लियर फ्लेक्सिबल है इलास्टिक है इन नेचर इलास्टिसिटी होती है इस लेयर में ठीक है फ्लेक्सिबल है इलास्टिसिटी है थिन है आउटर लेयर है ठीक है और इट इज ऑल्सो डेलिकेट लेयर क्लियर है ठीक है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों में प्रेजेंट होती है बोथ इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल ठीक है प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स में भी ये प्रेजेंट होती है क्लियर तो जो प्लाज्मा मेंब्रेन है जो मतलब आउटर लेयर है ये क्या काम करती है डेफिनेट शेप देती है ठीक है किसको मतलब एक शेप प्रोवाइड करती है किसको सेल को चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है उसको एक प्रॉपर आकार देगी प्रॉपर शेप देगी क्लियर तो उसके नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम ये कहेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर लेयर है ठीक है ये प्रोटेक्ट करती है किसको प्रोटेक्ट करेगी इनर सेल कंटेंट को जो अंदर वाला कंटेंट है ना वो लिविंग होता है ठीक है और इसको हम क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म इन ब्रीफ वी कैन से दैट जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसको प्रोटेक्ट करेगी इनर सेल कंटेंट जो कि लिविंग है मतलब जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं किसको प्रोटेक्ट करेगी प्रोटोप्लाज्म को ठीक है कहाँ से प्रोटेक्ट करेगी वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे इंजरीज होती हैं जैसे मैकेनिकल इंजरी होगी ठीक है या डिजीज होगी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे मतलब उन उनको उनसे इस लेयर को मतलब प्रोटेक्ट करेगी किसको प्रोटेक्ट करेगी किसको प्रो, किस कौन प्रोटेक्ट करेगा सेल मेम्ब्रेन ठीक किस है किसको प्रोटेक्ट करेगी प्रोटोप्लाज्म को क्लियर इसके बिना जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल है ठीक है सिलेक्टिव परमीएबल तो सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है कि जो सेल मेंब्रेन है वो कुछ सब्सटेंस को ही अलाउ करेगी अंदर बाहर आने जाने के लिए ठीक है मतलब इट अलाउ ओनली सर्टन सब्सटेंसेस ठीक है टू पास थ्रू इन इट मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो ये आउटर लेयर है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसी की हेल्प से ही चीज़ें जो है जितना भी फूड मटेरियल है जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो भी कुछ है मिनरल्स है वाटर्स हैं मतलब उसको अंदर बाहर जाना है ना ठीक है तो वो अंदर बाहर कौन से पार्टिकल कौन से सब्सटेंस जाएंगे मतलब कुछ सब्सटांस जाएंगे सर्टन सब्सटांसिस सभी को वो अलाउ नहीं करेगी सभी सब्सटांसिस को अलाउ नहीं करेगी अंदर बाहर जाने के लिए ठीक है इसीलिए जो ये मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ठीक है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे ठीक है इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि इसके जो अंदर बाहर जो मटेरियल जो अंदर बाहर जा रहा है वो क्यों जा रहा है क्योंकि इसके पास छोटे छोटे पोर्स हैं ठीक है इसके पास छोटे छोटे पोर्स हैं जिसकी हेल्प से यह सब्सटेंसेस को अंदर बाहर मूव होने के लिए अलाउ करती है क्लियर देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी आ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने डिस्कस कर लिया अब हम डिस्कस रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा एक लेयर होती है ठीक है और इस एक्स्ट्रा लेयर को हम क्या कहते हैं सेल वॉल जिसको हम डिनोट करते हैं सी डब्ल्यू से ठीक है ये क्लास वर्क नहीं है रिमेंबर वन थिंग अगेन तो ये क्या है सेल वॉल है ठीक है अब देखिए प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सपोज ये प्लांट सेल है ठीक है उसमें ये एक एक्स्ट्रा लेयर है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं क्योंकि ये तो सेल मेम्ब्रेन थी ठीक है तो सेल वॉल जो है वो उसी का सेम फंक्शन है जैसे इसमें हमने किया था कि डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगी ये सेल वॉल भी करेगी ठीक है यहां पे हमने डिस्कस किया था सेल मेंब्रेन में कि वो प्रोटेक्ट करेगी इनर सन, इनर सेल कंटेंट को ये प्रोटेक्ट करेगी इनर लिविंग सेल कंटेंट को जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ठीक है सेम फंक्शन किसमें होगा सेल वॉल में होगा ये दोनों फंक्शन इसमें मतलब सेल मेंब्रेन एज वेल एज सेल uh, वॉल में सेम रहेंगे तो डिफरेंस कहां पे आएगा डिफरेंस यहां पे आएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ठीक है ये लिविंग होती है सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है बट जो सेल वॉल है ठीक है ये क्या है नॉन लिविंग ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है मतलब इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग है जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है सेकेंड डिफरेंस ये हो गया फर्स्ट सेकेंड डिफरेंस क्या है जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है जो सेल मेम्ब्रेन है जो सीएम है वो किसका बना हुआ है लिपोप्रोटीन का ठीक है सेकेंड लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है लिपो का मतलब होता है लिपिड्स मतलब फैट्स प्रोटीन मतलब प्रोटीन कहने का मतलब क्या है कि ये मतलब फैट्स प्लस प्रोटीन का बना हुआ है बट जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है सेलुलोज की ठीक है किसकी बनी हुई है सेलुलोज की थर्ड डिफरेंस जो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो सेल मेम्ब्रेन है जो सी एम है वो दोनों सेल में प्रेजेंट होगा प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स में दोनों केसेस में प्रेजेंट होगा बट जो सेल वॉल है वो ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होगी ठीक है ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होगी फोर्थ डिफरेंसेस ठीक है ये क्या है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है ठीक है मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है जो सीएम है वो सिलेक्टिव परमिएबल है बट जो सेल वॉल है वो क्या है फ्रीली परमिएबल ठीक है तो फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या है कि ये अलाउ करेगी किसको अलाउ करेगी ऑल टू पास थ्रू इट ठीक है मतलब सभी तरह के सबस्टांसेस इसमें अंदर बाहर जा सकते हैं क्लियर है आई होप आपको ये सारा यहां तक जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो रहा है आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है ठीक है तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है ठीक है आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कीजिए आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ठीक है ठीके? हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि आपको हम उसके आंसर पूरी अच्छी तरह डिफाइन कर सके देन उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे साइड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस क्लियर हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें थ्री मेन पार्ट्स हैं ठीक है सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, थर्ड वन इज न्यूक्लियस ठीक है तो सेल मेम्ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया उसी के साथ साथ हमने सेल वॉल भी डिस्कस कर लिया जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है ठीक है तो अब हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है जो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो ये डॉट डॉट मैं बना रही हूं ठीक है ये क्या है ये साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म को अगर हमने डिफाइन करना है तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है ठीक है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं ठीक है जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसको इनक्लोज करके रखेगी किसको मतलब बाइंड करके किसको प्रोटेक्ट करके रखेगी किसको करेगी जो सेल मेम्ब्रेन है किसको इनक्लोज करेगी जेली लाइक -like सब्सटेंस को ठीक है जेली लाइक -like सब्सटेंस को जिसको हम क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म ठीक है तो जो प्रोटोप्लाज्म है जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं तो ये कौन सा मटेरियल है इट इज लिविंग इन नेचर लिविंग मटेरियल है क्लियर ठीक है तो साइटोप्लाज्म क्या है जेली लाइक मटेरियल है ठीक है कहां पे प्रेजेंट है ये ध्यान से देखिए उसके अब वो कहां पे प्रेजेंट है ये देखिए ये तो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है हमारा न्यूक्लियस हमारे सेल का न्यूक्लियस ये दोनों के बिटवीन प्रेजेंट है तो कहने का मतलब क्या है ये कहाँ पे प्रेजेंट है प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ठीक है थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस जो है वो किस में होती हैं साइटोप्लाज्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी ठीक है दे विल अकर इन साइटोप्लाजम क्यों होती हैं यहां पे केमिकल रिएक्शंस क्योंकि वेरियस सेल ऑर्गेनलीज ठीक है वेरियस सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट हेयर जिसको हम कहते हैं इम्बेडेड वर्ड यूज कर सकते हैं दे आर इम्बेडेड इन इट ठीक है बहुत ज्यादा जो सेल ऑर्गेनलिज हैं दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ठीक है तो सेल ऑर्गेनलिज प्रेजेंट है जो सेल ऑर्गेनलिज है अब हम आपसे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सेल ऑर्गेनलिज होती क्या है तो सेल ऑर्गेनलिज क्या है ये एक ऐसी बॉडी है ऐसी बॉडीज होती हैं मतलब ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनका डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा ठीक है डेफिनेट शेप होगी और इनका फंक्शन भी डेफिनेट होगा मतलब हर सेल ऑर्गेनली का अपना अपना फंक्शन है ठीक है सभी सेल ऑर्गेनलीज हमारे सेल के लिए जरूरी होती हैं ठीक है क्योंकि किसी ने एनर्जी देनी है किसी ने प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना है ठीक है विदाउट एनर्जी आपको भी पता है कि हमारा जो सेल है हमारी बॉडी है वो वर्क नहीं कर सकती तो सभी इस इस सभी इन सभी कामों के लिए कौन हेल्प करता है सेल ऑर्गेनलिज ठीक है तो सेल ऑर्गेनलिज क्या है इनका जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेट होगा शेप इनकी डेफिनेट होगी और डेफिनेट उनका फंक्शन होगा तो ये सारी सेल ऑर्गेनलिज कहाँ पे प्रेजेंट होगी साइटोप्लाज्म में ठीक है तो साइटोप्लाज्म में सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होगी ये लिविंग मटेरियल है जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया ठीक है जेली लाइक मटेरियल है प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मैनी केमिकल रिएक्शन अकर इन द साइटोप्लाजम क्यों होती हैं क्योंकि यहाँ पे सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस ठीक है जो न्यूक्लियस होता है वो हम सेल ऑर्गेनलीज में भी काउंट करते हैं ठीक है और जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ठीक है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है क्लियर थर्ड पार्ट इज न्यूक्लियस ठीक है वैसे तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल को मतलब स्टडी uh, करें तो जो न्यूक्लियस है ठीक है वो सेल का एक पार्ट है लेकिन हम इसको ऑर्गेनलीज में भी काउंट कर सकते हैं तो न्यूक्लियस क्या है इट इज़ लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली क्लियर जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है ठीक है जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है मतलब उसके पास पोर्स होते हैं ठीक है छोटे छोटे पोर्स होते हैं ठीक है मतलब जो मेम्ब्रेन है मतलब जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं तो ये थिन होती है ठीक है म, आ, मतलब ये सेल को सराउंड करके रखती है ये सेल को सराउंड करके रखती है तो इसीलिए हमने यहाँ पे उसको कहा कि ये सेल मेम्ब्रेन है उसी तरह से जो न्यूक्लियस को कवर करके रखती है ठीक है न्यूक्लियस को सराउंड करके रखती है ऐसी लेयर को हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है उसको हम क्या कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे सब्सटेंस अंदर और बाहर हो सकता है उसी तरह से न्यूक्लियस के पास भी पोर्स होते हैं ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स ठीक है तो न्यूक्लियर पोर्स जो है दे ऑल्सो अलाउ सब्सटांसेज टू पास थ्रू इट कहने का मतलब क्या है न्यूक्लियर पोर्स की हेल्प से जो सारे सब्सटेंसेस हैं वो क्या कर सकते हैं अंदर बाहर इजीली हो आ, अंदर बाहर जा सकते हैं ठीक है और उसके बाद देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो सेल वॉल है ठीक है उसके अंदर जो अंदर वाला मटेरियल है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और प्रोटोप्लाज्म कहते हैं उसी तरह से जो न्यूक्लियस है ठीक है न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस होगा मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि वाटरी फ्लूड होगा वॉटरी फ्लूड होगा यह थिक होता है ट्रांसपेरेंट होता है जैसे कि सेल हाँ, के अंदर साइटोप्लाज्म था उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है उसको पूरा डिस्कस करें तो सपोज अब यहाँ पे मैं इसको न्यूक्लियस ले रही हूँ ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर है उसको हम क्या कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे न्यूक्लियर पोर्स हैं इसके पास जिससे सब्सटेंस अंदर बाहर हो सकते हैं ठीक है किसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का तो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ठीक है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स कहने का मतलब क्या है न्यूक्लियो के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिसको हम क्या कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स तो जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं उनके पास क्या होता है जीन्स होते हैं और इन जीन्स की हेल्प से क्या होगा ठीक है इन जीन्स की क्या हेल्प से क्या होगा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है ठीक है जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होगा मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या ट्रांसफ़र होगा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है क्लियर देखिए न्यूक्लियस का डायग्राम आपको फिर से बताती हूँ ये सपोज न्यूक्लियस है तो बाहर वाली होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिस पे मैंने आपको कहा कि हम उसको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियो में जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियो प्ला... न्यूक्लियो होगा ठीक है जिसमें क्रोमेटिन फाइबर्स होगा क्रोमेटिन फाइबर्स के पास जीन्स होते हैं और ये जीन्स हेरिडिटी में हेल्प करेंगे हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ठीक है जो क्रोमेटिन फाइबर्स है ड्यूरिंग सेल डिविजन जब सेल डिविजन होती है सेल डिविजन क्या होती है सपोज ये एक सेल है एक सेल से टू सेल्स बने ठीक है ये सेल डिविजन है क्लियर तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो क्या होंगे थिक हो जाएंगे क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो थिक हो जाएंगे और रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं क्रोमोजोम्स ठीक है क्रोमोजोम्स कहते हैं आई थिंक आपको क्रोमोजोम्स का तो क्लियर ही होगा कि क्रोमोजोम्स के पास डीएनए होता है ठीक है और यू कैन से जीन्स होते हैं जो हमने यहां पे आपको क्रोमेटिन फाइबर्स में भी बता दिया सेम वही चीज है क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम वो क्रोमोसोम बन जाएंगे कौन क्रोमोसोम बन जाएगा क्रोमेटिन फाइबर्स ठीक है तो क्रोमोसोम के पास जीन्स है डीएनए है कुछ भी लगा लीजिए अब ये क्या है हेरिडिटी मटीरियल है जिसने क्या करना है करेक्टर्स को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्लियर देन उसके बाद आपको बता दें कि जो न्यूक्लियस है ठीक है जो न्यूक्लियस है वो हमारे मतलब सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है क्यों वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं जैसे हमारे पास ब्रेन होता है वैसे ही सेल का जो ब्रेन है ठीक है उसको न्यूक्लियस कहते हैं न्यूक्लियस क्या है ब्रेन ऑफ द सेल ठीक है क्यों इसको ब्रेन कहते हैं क्योंकि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं ठीक है जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उसको ये कंट्रोल करेगा ठीक है इसको कंट्रोल करेगा जो न्यूक्लियस है अगर चांस हम सेल में से न्यूक्लियस को रिमूव कर दें अगर सेल में से हम न्यूक्लियस को रिमूव कर दें तो सेल क्या हो जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी सेल डाइड हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर छोटी छोटी बॉडीज होती हैं कई बार एक होती है कई बार एक से ज़्यादा होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये किस में हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं क्लियर तो उससे पहले यहाँ से इससे पहले हमने आपसे कहा था कि क्रोमोजोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जैसे कि आपको एग्जाम्पल बता दूँ ह्यूमन बींग्स की हमारे केस में कितने क्रोमोजोम्स होंगे 23 थ्री पेयर्स ट्वेंटी थ्री पेयर्स क्रोमोजोम होते हैं ठीक है नंबर की बात करें पेयर्स मतलब डबल होता है नंबर्स की बात करें तो 46 सिक्स क्रोमोजोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं केस ऑफ ह्यूमन ंग्स ठीक है और यहाँ पे आपको मैं मतलब ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम बता दू ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस होमोसेपियंस ठीक है इसको हम अलग आ, मतलब, आ, अलग मतलब अलग अलग अंडरलाइन करेंगे वर्ड्स को ठीक है ये किसका साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग्स का ठीक है होमोसेपियंस तो होमोसेपियंस के केस में मतलब ह्यूमन बींग्स के केस में कितने क्रोमोसोम है 23 थ्री पेयर्स टोटल नंबर अगर हम डिस्कस करें तो कितने क्रोमोसोम होंगे 46 सिक्स क्रोमोसोम्स और अगर आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हम आ, ले लें एग्जाम्पल लाइन की ठीक है टाइगर ले लीजिए हाउस कैट ले लीजिए ठीक है इन सभी में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितना होता है थर्टी एट क्रोमोसोम्स होते हैं तो क्रोमोसोम नंबर तो तीनों केसेस में सेम है ठीक है इवन देन दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर क्रोमोसोम नंबर सेम है ठीक है इवन दैन दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वाई क्यों वो एक दूसरे से डिफरेंट है वो आ, अब इसका आंसर हम कैसे देंगे दैट मीन्स नंबर से कुछ भी इंडिकेट नहीं होता मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो इंडिकेट नहीं करते ठीक है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो इंडिकेट नहीं करेंगे उसकी मतलब वो सिमिलर होंगे या डिफरेंट होंगे तो क्या चीज़ जो है वो मतलब डिसाइड करेगी कि जो उनका देखने में जो है वो सेम होंगे या नहीं होंगे वो क्या चीज है मतलब जीन्स डिपेंड करते हैं ठीक है और जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि नंबर नहीं डिसाइड करता कि वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे या डिफरेंट होंगे क्या डिपेंड करता है जीन्स ठीक है जीन्स की पोजीशन मैटर करती है जीन्स की पोजीशन मैटर करती है कि वो कौन से क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट है उन, मतलब उनका क्या स्टेटस है क्या प्लेस है उस पर डिपेंड करता है क्लियर अब तक हमने मतलब इस जो हमारी वीडियो है उसमें डिस्कस किया सेल का स्ट्रक्चर ठीक है जिसमें हमने डिस्कस किया इसके थ्री पार्ट्स ठीक है और यू कैन से कि यहाँ पे हमने जो न्यूक्लियस को डिस्कस किया है एज अ स्ट्रक्चर का मतलब पार्ट भी डिस्कस कर लिया और एज अ सेल ऑर्गेनलीज भी डिस्कस किया है. तो उसकी जो नेक्स्ट ऑर्गेनलिज है मतलब जो एक सेल uh, में प्रेजेंट होती है जो मैंने कहा था कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सारी सेल ऑर्गेनलिज वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है आई होप यू ऑल द पीपल्स विल लाइक आर लेक्चर मुझे होप है कि आपको सभी को ये वीडियो पसंद आएगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर भी कीजिए ठीक है ताकि हमें आपका फुली सपोर्ट मिले और हम ऐसे ही अपने चैनल को आगे मतलब मूव करवा के अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएँ थैंक यू वेरी मच